ऐसे ही और एजुकेशनल वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट करें ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक सीखने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसमें थोड़ी ट्रेजिडी भी है। द होम कमिंग, नाम से कुछ लग रहा है घर आने की बात हो रही है, और घर आने की बात जब भी होती है कहीं से भी तो काफ़ी सुकून मिलता है। इस नाम से खाली कि घर आना है, और घर आने के बाद घर में तो सुकून होता ही है। और इसके जो राइटर हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी, जो कि 1861 में पैदा हुए थे और 1941 में इनका डेथ हो गया था, ये कलकत्ता में पैदा हुए थे। और ये बहुत बड़े कवि थे, बहुत बड़े ड्रामाटिस्ट मतलब नाटककार भी थे, और ये नॉवलिस्ट भी थे, और मतलब काफ़ी क्वालिटी इनके पास थी। बहुत सारे पोएम ये गीतांजलि लिखे थे, गीतांजलि बहुत फेमस बुक है, और बहुत सारी किताबें लिखे थे इन्होंने। और इसमें जो है उसी किताबों के संग्रह से ये ड्रामा में से उठा करके ये पार्ट जो है कि दिया गया इसमें। और इसमें एक लड़के की कहानी है जो जिसका नाम होता है फटिक। वो काफ़ी क्या कहते हैं उसको, चंचल दिमाग का होता है, चंचल स्वभाव का होता है। पहले तो घर पे उस अपने माँ को तंग करता है, उसके बाद मामा के यहाँ जाता है, फिर वहाँ पे भी उसके साथ बहुत सारी घटनाएं घटित होती है, बहुत दुखद होता है। फिर वो वापस आने के लिए जो है बहुत परेशान करता है। तो ये सारी बातें हैं इसमें, चलिए सीखते हैं। फिर काफ़ी मज़ेदार है, मन से पढ़िएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं आप लोगों कि अगर टेक्स्ट आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहे हैं तो फिर आप अपने वीडियो में दाहिने तरफ ऊपर साइड 3 डॉट पे जाइए, उसमें जाकर के अपना रेजुलेशन बढ़ा दीजिए ताकि आपका जो है टेक्स्ट आपको क्लियर दिखाई देने लगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। शुरुआत होता है यहाँ से। फटिक चक्रवर्ती वॉज रिंग लीडर एमंग द बॉयज ऑफ द विलेज। मतलब फटिक चक्रवर्ती अपने गांव के बच्चों के बीच में रिंग लीडर था, मतलब सरगना कहते हैं इसका, मतलब सरगना मतलब कुछ बच्चों के समूह का जो नेता होता है उसको सरगना बोलते हैं, रिंग लीडर बोलते हैं। अ न्यू मिसीव गॉट इनटू हिज हेड, उसके सिर में उसके दिमाग में एक नया खुरपात पैदा हुआ। देर वॉज अ हैवी लॉग, एक बड़ा सा लट्ठा था जो कि लाइंग ऑन द मड, जो कीचड़ में पड़ा हुआ था, फ्लैट ऑफ द रिवर मतलब कीचड़ में जो है क्षतिश पड़ा हुआ था नदी के कीचड़ में, और वेटिंग टू बी सेप्ड इनटू अ मास्ट फॉर अ बोट, मतलब एक नाव के मास्ट मतलब मस्तूल बनाने के लिए उसका इंतज़ार हो रहा था, मतलब वो एक नाव के मस्तूल बनाने के लिए वहाँ पर रखा हुआ था। फिर कहते कि ही डिसाइडेड दैट, उसने निश्चय किया कि दे शुड ऑल वर्क टुगेदर टू शिफ्ट द लॉग, कि वे सभी एक साथ काम करेंगे और लट्ठे को शिफ्ट कर देंगे मतलब प्रस्थापित कर देंगे बाय मेन फोर्स फ्रॉम इट्स प्लेस, मतलब मुख्य शक्ति से मुख्य बल से उसके स्थान से उसको धक्का देकर के दूसरे स्थान तक कर देंगे करेंगे एंड रोल इट अवे, और इसको धक्का देकर दूसरे स्थान पर ले जाएंगे। इससे क्या होगा, द ओनर ऑफ द लॉग मतलब लट्ठे का मालिक वुड बी एंग्री, क्रोधित होगा एंड सरप्राइज्ड और आश्चर्यचकित होगा, एंड दे वुड ऑल एंजॉय द फन, और वे सभी इस आनंद का मजा लेंगे। मतलब इनका जो ग्रुप था ये लोगों को तंग करने में मज़ा करता था। तो एवरीवन सेकंडेड द प्रपोजल, प्रत्येक व्यक्ति इस प्रस्ताव से सहमत हो गए, एंड इट वॉज कैरीड अनएनिमसली, और यह जो है सामूहिक रूप से मतलब सर्वसम्मत से किया जाने वाला था ये कार्य, लट्ठे को धक्का देकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाला कार्य। फिर कहते बट जस्ट एज द फन वॉज अबाउट टू बिगिन, लेकिन जैसे ही यह आनंद शुरू होने वाला था तो माखन कौन है, फटिक से यंगर ब्रदर, फटिक का छोटा भाई, सेंचुर्ड अप कहीं से घूमते हुए आया एंड सेट डाउन ऑन द लॉग, और वो लट्ठे पर बैठ गया इन फ्रंट ऑफ देम ऑल, उन सभी के सामने विदाउट अ वर्ड, बिना कुछ कहे हुए। द बॉयज वर पजल्ड फॉर अ मोमेंट, सभी बच्चे जो है कुछ समय के लिए पजल्ड परेशान हो गए,
ही वॉज पुश्ड, उसे धक्का दिया गया, रैदर टिमिडली, बड़े धीमे से, अपेक्षाकृत काफ़ी धीमे से उसको धक्का दिया गया, बाई वन ऑफ द बॉयज, एक लड़के के द्वारा, एंड टोल्ड टू गेट अप, और उसको उठने के लिए कहा गया, बट ही रिमेंड क्वाइट अनकंसर्न्ड, लेकिन हुआ जो है पूरी तरह से बेपरवाह समझ में आया, बेपरवाह था, मतलब उसको इस बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ी। ही अपियर्ड लाइक अ यंग फिलोसोफर, वह एक छोटे दार्शनिक की तरह प्रतीत होता था, लगता था, जो कि मेडिटेटिंग ऑन द फ्यूटिलिटी ऑफ गेम्स, जो कि खेल की निरर्थकता पर मेडिटेटिंग, मतलब ध्यान कर रहा था, ऐसा वो अपने आप को दिखा रहा था, ऐसे मानो कि वो खेल की निरर्थकता पे, मतलब खेल के खराबपन पे, बेकारपन पे वो ध्यान कर रहा हो, ऐसे अपने आप को दिखा रहा था। तो फटिक वॉज फ्यूरियस, फटिक क्रोधित हो गया और बोला कि माखन, ही क्राइड, वह चिल्ला कर बोला कि इफ़ यू डोंट गेट डाउन, यदि तुम नीचे नहीं उतरते हो दिस मिनट, इसी वक्त, तो आई विल थ्रेस यू, तो मैं तुम्हारी धुलाई कर दूंगा, मैं तुम्हारी पिटाई कर दूंगा। तो माखन ओनली मूव्ड टू अ मोर कम्फर्टेबल पोजिशन, मतलब माखन जो है थोड़ा सा और ज़्यादा आरामदायक स्थिति में बैठ गया। अब क्या, नाउ यदि इफ फटिक वॉज टू कीप, यदि फटिक को रखना था हिज रीगल डिजनिटी, अपने राजशाही सम्मान को, बिफोर द पब्लिक, जनता के सामने, तो इट वॉज क्लियर, यह सत्य, यह स्पष्ट बात थी कि ही ऑट टू कैरी आउट हिज थ्रेट, कि वह अपनी धमकी को पूरा करे, मतलब यदि फटिक को अपने सम्मान को अपने लोगों के बीच में बचाना था, बनाए रखना था, तो उसने जो धमकी दिया था अपने भाई को, उससे उस धमकी को पूरा करना था। बट हिज करेज फेल्ड हिम एट द क्राइसिस, लेकिन उसका जो साहस था वो उस समय फेल्ड, असफल हो गया, एट द क्राइसिस, इस संकट के समय में, तो हर हिज फ्यूटाइल ब्रेन, उसके खुरापाती दिमाग में, देखिए फर्टाइल मतलब होता है उर्वरता, मतलब क्या कहते हैं उसको, उपजाऊ बोलते हैं, उपजाऊ मतलब जिसमें हमेशा उपज होती रहे, तो कहते हैं कि उसके खुरापाती दिमाग में, मतलब उपजाऊ दिमाग में, हाउ एवर रेपिडली साइज अपॉन अ न्यू मैन्यूवर, किसी तरह एक नई मैन्यूवर, मतलब खुरापात तुरंत पैदा हो गई, तेज़ी से पैदा हो गई, विच वुड डिसकम्फीट हिज ब्रदर, जो कि उसके भाई को परेशान कर देगी, अशांत कर देगी, और एंड अफोर्ड हिज फॉलोअर एंड एन एडेड अमेजमेंट, और उसके अनुयायियों को अतिरिक्त मनोरंजन देगा, मतलब जो कार्य उसने सोचा था अपने दिमाग में, उससे क्या होगा, उसका भाई आहत होगा और वो क्या, उसके साथियों को थोड़ा और आनंद मिलेगा। तो माखन हर्ड द ऑर्डर, माखन ने, सॉरी इसके पहले है, ही गेव द वर्ड ऑफ कमांड, वह जो है कि आदेश भरी बातें बोला, टू रोल द लॉग एंड माखन ओवर टुगेदर, कि माखन के साथ साथ लट्ठे को धक्का दे दो। तो माखन हर्ड द ऑर्डर, माखन ने इस आदेश को सुना, एंड मेड इट अ पॉइंट ऑफ ऑनर टू स्टिक ऑन, और इस तथ्य को, इस बिंदु को अपने सम्मान के लिए बना लिया, सम्मान का तथ्य बना लिया, पॉइंट बना लिया कि इसी पे चिपका रहूँगा, मतलब उसने दिमाग में कर लिया कि ठीक है, देखते हैं कि ये लोग मेरे साथ लट्ठे को धक्का देते हैं, इस बात पर ये मतलब अड़ा रह गया। तो बट ही ओवरलुक्ड द फैक्ट, लेकिन उसने इस तथ्य को अनदेखा कर दिया, लाइक दोज हु अटेम्प्ट अर्ली फेम इन अदर मैटर, उन लोगों की तरह जो कि दूसरे मामलों में सांसारिक उपलब्धि को प्राप्त करते, उसी तरह से इसने इस तथ्य को अनदेखा कर दिया कि देर वॉज पेरिल इन इट, कि इसमें खतरा है, इस बात को उसने भी अनदेखा कर दिया। तो द बॉयज बिगिन टू हीव द लॉग एट द लॉग विथ ऑल देयर माइट, लड़के अपनी पूरी शक्ति के साथ लट्ठे को हिलाने लगे, कॉलिंग आउट, चिल्लाते हुए, क्या चिल्लाते हुए, वन टू थ्री गो, एट द वर्ड गो मतलब एक दो तीन गो, चलो, तो एट द वर्ड गो, गो शब्द पर द लॉग वेंट, लट्ठा चल दिया, एंड विथ इट, और इसके साथ वेंट माखन्स फिलॉसफी, इसके साथ माखन की फिलॉसफी भी चल दी, मतलब माखन की फिलॉसफी भी चली गई, ग्लोरी उसका शान भी चला गया, एंड ऑल उसका सब कुछ चला गया। फिर कहते ऑल द अदर बॉयज शाउटेड देमसेल्व्स हॉर्स, सभी लड़के जो है, सभी दूसरे लड़के खुद
हॉर्स कड़वी भाषा में, तीखी भाषा में चिल्लाए विथ डिलाइट, आनंद से। बट फटिक वाज अ लिटिल फ्राइटेंड, लेकिन फटिक थोड़ा सा भयभीत हो गया। क्यों? क्योंकि कहते ही न्यू व्हाट वाज कमिंग, क्योंकि वह जान गया था कि क्या आ रहा है। एंड श्योर इनफ, और निश्चित रूप से माखन रोज फ्रॉम मदर अर्थ, माखन जो है धरती माता से उठा। ब्लाइंड अंधा था, एस फेट भाग्य की तरह अंधा था। एंड स्क्रीमिंग लाइक द फ्यूरीज, और क्रोधित होकर के तेज गति से चिल्ला रहा था, जोर जोर से चिल्ला रहा था। और क्या ही रश डेट फटिक, वो फटिक के ऊपर टूट पड़ा। एंड स्क्रैच्ड हिज फेस, उसका चेहरा नोच लिया। एंड बीट हिम, उसको पीटा। एंड किक्ड हिम, और उसको लात मारा। एंड देन वेंट क्राइंग होम, और तब चिल्लाते हुए घर भी चला गया। द फर्स्ट एक्ट ऑफ द ड्रामा वॉज ओवर, मतलब इस नाटक का पहला अध्याय, पहला एक्ट, पहला सीन जो है वो समाप्त हुआ। आगे कहते हैं कि फटिक वाइप्ड हिज फेस, फटिक ने अपना चेहरा पोछा। एंड सेट डाउन, और बैठ गया। कहाँ बैठा? ऑन द एज ऑफ द ऑफ अ संकेन बार्ज, एक डूबी हुई नाव के किनारे पे बैठ गया। ऑन द रिवर, नदी में, सॉरी ऑन द रिवर बैंक, नदी के किनारे एक नाव डूबी हुई थी, उसके किनारे पे बैठ गया। एंड बिगिन टू चीव अ पीस ऑफ ग्रास, और एक घास का तिनका जो है, टुकड़ा जो है, चबाना शुरू कर दिया। चीव मतलब चबाना होता है। अ बोट केम अप टू द लैंडिंग, एक नाव जो है उतरने के लिए, रुकने के लिए आई। एंड अ मिडल एज्ड मैन, और एक अधेड़ आयु वाला इंसान जो है, विथ ग्रे हेयर, भूरे बालों वाला, एंड डार्क मस्टास, और घनी मूछों वाला, स्टेप्ड ऑन शोर, किनारे पर उतरा। ही सा द बॉय सिटिंग देयर डूइंग नथिंग, उसने लड़के को वहाँ पर बैठे हुए देखा, जो कि डूइंग नथिंग, जो कि कुछ नहीं कर रहा था। एंड आस्क्ड हिम, तो क्या किया वो उसने? पूछा, मतलब उस इंसान ने लड़के से पूछा, मतलब फटिक से पूछा कि वेयर द चक्रवर्ती इज लिव्ड, मतलब चक्रवर्ती परिवार किधर रहते हैं। तो फटिक वेंट ऑन चीविंग द ग्रास, फटिक जो है घास को चबाता रहा। एंड सेड, और बोला, ओवर देयर, बोला कि उधर, ओवर देयर मतलब उधर, उस तरफ। बट इट वॉज क्वाइट इम्पॉसिबल टू टेल, लेकिन यह पूर्णतः असंभव था बताना कि वेयर ही पॉइंटेड, कि उसने इशारा किधर किया, क्योंकि उसने इशारा नहीं किया, खाली बोल दिया कि उधर उस तरफ रहते हैं। द स्ट्रेंजर आस्क्ड हिम अगेन, वो जो अपरिचित था वो उससे दोबारा पूछा। क्या पूछा? दोबारा पूछा कि, मतलब इसी बात को पूछा कि किधर रहते हैं। तो ही स्वंग हिज लेग्स एंड टू एंड फ्रो, फटिक जो है अपने पैर को इधर उधर झुलाया। ऑन द साइड ऑफ द बार्ज, मतलब नाव के दोनों तरफ घुमाया इधर उधर। एंड सेड, और बोला कि गो एंड फाइंड आउट, जाओ और खुद ही तलाश कर लो, ढूंढ लो। एंड कंटिन्यू टू चीव द ग्रास एज बिफोर, और पहले की तरह घास को चबाता रहा। अब क्या हुआ? बट नाउ अ सर्वेंट केम डाउन फ्रॉम द हाउस, लेकिन अब जो है एक नौकर घर से आया। एंड इट टोल्ड फटिक, और फटिक से बोला कि हिज मदर वांटेड हिम, कि उसकी माँ उसे चाहती है, मतलब उसे बुला रही है। तो फटिक रिफ्यूज टू मूव, फटिक जो है हिलने से भी मना कर दिया, बोला कि नहीं जाऊँगा। बट द सर्वेंट वॉज द मास्टर ऑन दिस ओकेजन, लेकिन नौकर इस अवसर पर खुद मालिक था, अर्थात उसकी माँ ने बोला होगा कि अगर वो ना आए तो उसको ज़बरदस्ती लेके आना, तो उस समय नौकर ही मालिक था वहाँ पे। तो ही टुक फटिक अप रफली, वो फटिक को बड़े रफली मतलब भद्दे तरीके से, मतलब ज़बरदस्ती उसको पकड़ लिया। एंड करीड हिम, और उसको उठा ले गया। अब किकिंग एंड स्ट्रगलिंग इन इपोटेंट रेज, जो कि फटिक क्या जो है कि किकिंग लात मार रहा था लगातार, स्ट्रगलिंग संघर्ष कर रहा था, इन इपोटेंट रेज मतलब असहाय रूप से, क्रोध होकर, क्रोधित होकर, मतलब इपोटेंट मतलब होता है असहाय होना, और रेज मतलब क्रोधित। तो असहाय था बेचारा, कुछ कर नहीं पा रहा था, लेकिन रेज क्रोधित भी था, और इसमें लात चला रहा था, और खुद को छुड़ाने के लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन नौकर जो इसको लेके जा रहा था। तो फिर कहते हैं कि वेन फटिक केम इन टू द हाउस, जब फटिक घर में आया, तो हिज मदर साहिम, उसकी माँ उसको देखी। सी कॉल्ड आउट एंग्रीली, वह गुस्से में बुलाई, गुस्से में चिल्लाई। क्या बोले? बोले कि सो यू हैव बिन हिटिंग माखन अगेन, अच्छा तो तुम माखन को दोबारा पीट रहे थे। तो फटिक आंसर इंडिग्नेंटली, फटिक जो है क्रोध में बोला कि नो, नहीं, आई हैवेंट,
मैंने नहीं मारा, हु टोल्ड यू दैट, ऐसा तुम्हें कौन बताया? तो जब ऐसा बोला फटीक, तो हिज मदर शाउटेड डोंट टेल लाइज, झूठ मत बोलो, यू हैव, तुमने मारा है। तो फटीक अचानक बोला कि आई टेल यू, मैं तुम्हें कहता हूँ ना, आई हैवेंट, मैंने नहीं मारा है। यू आस्क माखन, तुम माखन से पूछ लो। बट माखन थॉट, लेकिन माखन ने सोचा कि इट बेस्ट, यह अच्छा होगा टू स्टिक टू हिज प्रीवियस स्टेटमेंट, कि वह अपने पिछले बातों पर ही चिपका रहे, अड़ा रहे। ही सेड, देखिए माखन ने सोचा कि पहले बोला था कि फटीक ने मारा है, अब ये इसको सोच रहा कि हाँ मैं उसी पिछले ही अपनी पिछली बातों पे ही अड़ा रहूँगा तो बेहतर रहेगा, नहीं तो मार मुझे पड़ सकती है। तो ही सेड, उसने बोला, यस मदर, हाँ माँ, फटीक डिड हिट मी, बोला कि हाँ माँ, फटीक ने मुझे मारा है। तो फटीक पेशेंस वाज ऑलरेडी एक्सहस्टेड, फटीक का साहस पहले से ही छीड़ हो चुका था, समाप्त हो चुका था। ही कुड नॉट हियर दिस इनजस्टिस, वह ऐसे अन्याय को नहीं सुन सकता था। तो ही रस्ट एट माखन, वह माखन की तरफ दौड़ा, एंड हैमर्ड हिम विथ हिज ब्लो, और अपने मुक्के के प्रहार से उसको मारना शुरू कर दिया। देखिए हैमर मतलब हथौड़ी चलाना होता है, तो मुक्के के प्रहार से उसको मारना शुरू कर दिया हथौड़ी की तरह। तो टेक दैट, बोला कि ये लो। ही क्राइड, वह चिल्ला के बोला, एंड दैट, और ये भी लो, एंड दैट, और ये भी लो, फॉर टेलिंग लाइज, झूठ बोलने के लिए। माखन जो है फटीक को मुक्के से मार रहा था और बोल रहा था कि ये लो, ये भी लो, ये भी लो, झूठ बोलने के लिए। हिज मदर टुक माखन साइड, उसकी माँ जो है माखन का पक्ष ली इन अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, एक क्षण में, एंड पुल्ड फटीक अवे, और फटीक को जो है एक तरफ खींची, बीटिंग हिम, उसको पीटते हुए विथ हर हैंड्स, अपने हाथों से। व्हेन फटीक पुश्ड हर साइड, जब फटीक ने उसको मतलब अपनी माँ को धक्का दे दिया, तो सी शाउटेड आउट, वह चिल्ला कर बोली कि व्हाट यू लिटिल विलन, क्या तुम छोटे विलन खलनायक, वुड यू हिट ऑन योर ओन मदर, क्या तुम अपनी माँ को मारोगे। इट वॉज जस्ट एट दिस क्रिटिकल जंक्चर, ठीक इसी क्रिटिकल जंक्चर मतलब असमय में, इसी खराब समय में, दैट द ग्रे हेयर्ड स्ट्रेंजर अराइव्ड, वह भूरे बालों वाला अपरिचित जो था वो आ पहुँचा। ही आस्कर, उसने पूछा, व्हाट द मैटर वाज, कि मामला क्या है, क्या बात है। तो फटीक लुक्ड सिपीस एंड असेम्ड, फटीक जो है, सिपीस मतलब मुँह चोर, मुँह छिपाने वाला, फटीक जो है मुँह चोर और शर्मिंदा दिखाई दिया, मतलब मुँह छिपाने लगा, क्यों, क्योंकि ये वही इंसान था जिसको फटीक ने बोला था कि जाओ खुद ही ढूंढ लो, अब क्या। बट वेन हीज मदर स्टेप्ड बैक एंड लुक्ड एट द स्ट्रेंजर, लेकिन जब उसकी माँ पीछे मुड़ी और उस अपरिचित को देखी, तो हर एंगर वाज चेंज्ड टू सरप्राइज, तो उनका क्रोध आश्चर्य में बदल गया। फॉर, क्योंकि सी रिकॉग्नाइज्ड हर ब्रदर, क्योंकि वह अपने भाई को पहचान गई, एंड क्राइड, और बोली कि वाई दादा, क्यों दादा, देखिए कलकत्ता में बड़े भैया को दादा बोलते हैं। तो वेयर हैव यू कम फ्रॉम, आप कहाँ से आए हैं, कहाँ से आ रहे हैं। एज सी सेड दीज वर्ड्स, जैसे वह ऐसा बोली, तो सी बोर्ड टू द ग्राउंड, वह ज़मीन पे झुकी, एंड टच्ड हिज फीट, और उनके पैरों को स्पर्श की। तो हर ब्रदर हैड गॉन अवे सून आफ्टर सी हैड मैरिड, उनका भाई जो है उनकी शादी के बहुत जल्दी तुरंत बाद जो है चले गए थे, मतलब फटीक की माँ की शादी के बाद जो है उनका भाई वो चले गए थे। एंड ही हैड स्टार्टेड बिजनेस इन बॉम्बे, और वह जो है बॉम्बे में व्यापार शुरू कर दिए थे। हिज सिस्टर हैड लॉस्ट हर हस्बैंड, उनकी बहन अपने पति को खो दी, वाइल ही वॉज इन बॉम्बे, जब वे बॉम्बे में थे। तो बिसम्बर हैड नाउ कम बैक, बिसम्बर अब आ चुके थे टू कलकत्ता में, एंड हैड एट वंस मेड इंक्वायरीज अबाउट हिज सिस्टर, और तुरंत ही अपने बहन के लिए पूछताछ किए। तो ही हैड देन, तब वे हेस्टन टू सी हर, जल्दबाजी में उनसे मिलने आए, एज सुन एज ही फाउंड आउट, जैसे उनको पता चला कि वेयर सी वाज, कि वह कहाँ हैं, मतलब दिसंबर को जब पता चला कि उनकी बहन कहाँ हैं, तो वो जल्द से जल्द उनसे मिलने के लिए चले आए। द नेक्स्ट फ्यू डेज वर फुल ऑफ रिजॉइसिंग, अगले कुछ दिन जो है आनंद से भरे हुए थे।
द ब्रदर आस्क्ड आफ्टर द एजुकेशन ऑफ द टू बॉयज़, भाई ने दोनों लड़कों के शिक्षा दीक्षा के बारे में पूछा। ही वॉज टोल्ड, उन्हें बताया गया कि बाई सिस्टर, अपनी बहन के द्वारा, उनको उनकी बहन के द्वारा बताया गया कि फटिक वॉज अ परपेक्चुअल न्यूसेंस। फटिक जो है बहुत ही आवारा है, बहुत ही मतलब बदमाश है, ऐसा बोली, निकम्मा है। तो ही वॉज लेजी, वह आलसी है, डिसोबीडियंट अवज्ञाकारी है, एंड विल्ड और जंगली है, मतलब असभ्य है। बट माखन वॉज एज गुड एज गोल्ड, लेकिन माखन सोने की तरह खरा है। एज क्वाइट एज अ लैम, एक मेमनी की तरह शांत है। एंड वेरी फाउंड ऑफ रीडिंग, देखिए वे लिखा है, यहाँ पे वेरी होना चाहिए, तो वेरी फाउंड ऑफ रीडिंग मतलब बहुत ही पढ़ने का शौकीन है। बिशंबर काइंडली ऑफर टू टेक फटिक ऑफ हिज सिस्टर्स हैंड्स, बिशंबर ने बड़ी विनम्रता से फटिक को अपनी बहन के हाथों से ले जाने के लिए ऑफर किया, मतलब कहा अपनी बहन से कि वो फटिक को अपने साथ ले जाना चाहता है। एंड एजुकेट हिम विथ हिज ओन चिल्ड्रन इन कलकत्ता, मतलब और अपने बच्चों के साथ कलकत्ता में जो है उनको पढ़ाना चाहता है, उनको उसको फटिक को वहाँ पे रख के पढ़ाना चाहता है। तो द विडोड मदर, विधवा माँ, रीडली एग्रीड, जानबूझकर सहमत हो गए, जानबूझकर इस बात को मान गई। व्हेन हिज अंकल आस्क्ड फटिक, जब उसके मामा जी ने फटिक से पूछा कि इफ़ ही वुड लाइक टू गो टू कलकत्ता, कि क्या वह कलकत्ता जाना पसंद करेगा विथ हिम, उनके साथ, तो हिज जॉय न्यू नो बाउंड्स, तो उसके खुशी का ठिकाना नहीं रह गया। एंड ही सेड, और वो बोला, मतलब फटिक बहुत ज़्यादा खुश हुआ और बोला कि वो यस अंकल, हाँ मामा जी, मतलब वो जाना चाहता था। तो इन अ वे दैट मेड इट क्वाइट क्लियर, इस तरह यह बात एकदम स्पष्ट हो गई कि ही मीन्ट इट, कि उसका भी मतलब यही था, अर्थात वो जाना चाहता था। तो इट वॉज एन इमेंस रिलीफ टू द मदर टू गेट रिड ऑफ फटिक, माँ के लिए एक इमेंस रिलीफ, बहुत ही राहत वाली बात थी कि वह फटिक से गेट रिड ऑफ, छुटकारा पा जाएंगी। सी हैड अ प्रेजुडाइस अगेंस्ट द बॉय, उनके पास उस लड़के के प्रति प्रेजुडाइस मतलब भविष्यवाणी होती थी, मतलब वो अपने फटिक के बारे में भविष्यवाणी जानती थी कि वह कब क्या कर सकता है। एंड नो लव वॉज लॉस्ट बिटवीन द टू ब्रदर्स, और दोनों भाइयों के बीच में कोई प्रेम भी नहीं बचा था। सी वॉज इन डेली फियर, वह रोज डर में रहती थी दैट कि ही वुड आइदर ड्राउन माखन समडे इन द रिवर, कि वह किसी न किसी दिन या तो माखन को नदी में डुबो देगा और या फिर ब्रेक हिज हेड, या उसका सिर तोड़ देगा इन अ फाइट, एक मारपीट में, और या फिर रन हिम इनटू सम डेंजर, या उसको किसी खतरे में डाल देगा और अदर, या फिर कुछ और कर देगा। इस डर में उसकी माँ हमेशा रहती थी। एट द सेम टाइम, इसी समय, सी वॉज समवॉट डिस्ट्रेस्ड, वह थोड़ी परेशान भी थी, टू सी, देख कर फटिक्स एक्सट्रीम ईगरनेस टू गेट अवे, फटिक की तीव्र इच्छा को गेट अवे जाने की, मतलब फटिक की जाने के लिए, अपने मामा के साथ जाने के लिए जो तीव्र इच्छा थी उसको देखकर ये थोड़ी डिस्टर्ब भी थी, थोड़ी परेशान भी थी। फटिक एज सुन एज ऑल वॉज सेटल्ड, फटिक जो है जैसे जैसे सब कुछ सेटल हो गया, व्यवस्थित हो गया, तो केप्ट आस्किंग हिज अंकल एवरी मिनट, मतलब हर वक्त हर मिनट अपने मामा जी से पूछने लगा कि वेन दे वर टू स्टार्ट, कि वे कब शुरू कर रहे हैं, अर्थात वे कलकत्ता के लिए कब यात्रा शुरू करेंगे। तो ही वॉज ऑन पिंस एंड नीडल्स ऑल डे लॉन्ग विथ एक्साइटमेंट एंड ले अवेक मोस्ट ऑफ द नाइट। ही वॉज ऑन पिंस एंड नीडल्स ऑल डे, मतलब वह पूरे दिन सुइयों के नोक पे रहने लगा। पिंस मतलब आलपिन होता है, नील मतलब परेशानी में होना, सुई भी होता है। तो वह जो है कि पूरे दिन परेशानी में रहने लगा, और विथ एक्साइटमेंट, उत्साह के साथ, उत्तेजना के साथ, एंड ले अवेक मोस्ट ऑफ द नाइट, और ज़्यादा देर रात तक जागता रहता था। ही बिक्वेटेड टू माखन, वह जो है माखन को सौंप दिया, क्या इन परपेचुटी मतलब स्थिरता से, मतलब परमानेंटली, स्थायी रूप से, हिज फिशिंग रॉड, अपनी मछली पकड़ने की छड़ी,
हिज बिग काइट अपनी बड़ी सी पतंग एंड हिज मार्बल्स और अपने कंचे, मतलब अपने छोटे भाई माखन को जो है ये सारी चीज़ें दे दिया, वो एकदम अस्थायी रूप से दे दिया, उसके नाम लिख दिया। इंडीड वास्तव में एट दिस टाइम, इस समय ऑफ डिपार्चर विदाई के समय, हिज जनरसिटी टुवार्ड्स माखन वाज अनबाउंडेड, उसकी उदारता माखन के प्रति जो थी वो अनबाउंडेड, वो एकदम अनंत थी, मतलब बहुत ज़्यादा उदार था उस समय माखन के लिए। व्हेन दे रीच्ड कलकत्ता, जब वे कलकत्ता पहुँच गए, तो फटिक मेड द अक्वेंटेंस ऑफ हिज आंट, तो फटिक को उसकी मौसी, सॉरी उसकी मामी से परिचय कराया गया फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार। शी वॉज बाई नो मीन्स प्लीज्ड विथ दिस अननेसेसरी एडिशन टू हर फैमिली, वह जो है अपने परिवार में इस अनावश्यक जोड़ से, इस अनावश्यक व्यक्ति के आने से बाई नो मीन्स प्लीज्ड, किसी भी तरीके से खुश नहीं थी। शी फाउंड हर ओन थ्री बॉयज क्वाइट इनफ, वो अपने तीन बच्चों को काफ़ी पाती थी, टू मैनेज विदाउट टेकिंग एनीवन एल्स, बिना किसी को लिए हुए बाकी सारे कामों को मैनेज करने के लिए, मतलब उनके तीन बच्चे थे और उन्हीं से जो है कि वो सारे काम मैनेज कर लेती थी बिना किसी को सहारे के। तो एंड टू ब्रिंग अ विलेज लैड ऑफ 14 इनटू दियर मिडस्ट, और एक गांव के 14 साल के लड़के को उनके बीच में लाना जो है वाज टेरिबली अपसेटिंग, बहुत ही ज़्यादा अपसेटिंग, परेशानीजनक बात थी। बिसम्बर शुड रियली हैव थॉट ट्वाइस, बिसम्बर को कम से कम दो बार इस बारे में सोचना चाहिए था बिफोर कमिटिंग सच एन इंडिस्क्रेशन, ऐसे अविवेकपूर्ण कार्य करने से पहले कम से कम उसके मामा जी को दो बार सोचना चाहिए था। फिर कहते हैं कि इन दिस वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन अफेयर्स देर इज़ नो वर्स न्यूसेंस देन अ बॉय एट द एज ऑफ 14, मतलब इस मानविक कार्यों की दुनिया में नो वर्स न्यूसेंस, ज़्यादा ख़राब बात नहीं हो सकती देन अ बॉय एट द एज ऑफ 14, 14 वर्ष के लड़के की अपेक्षा। ही इज़ नाइदर ऑर्नामेंटल, न तो वह सुंदर होता है, नॉर यूजफुल, न ही वह लाभकारी होता है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू शोअर अफेक्शन ऑन हिम एज ऑन लिटिल बॉय, छोटे लड़कों की तरह उस पर प्रेम बिखेरना जो है असंभव सा होता है। एंड ही इज़ ऑलवेज गेटिंग इन द वे, और वो हमेशा जो है रास्ते में आता रहता है। इफ़ ही टॉक्स विथ अ चाइल्डिश लिस्प, यदि वह बच्चों जैसी बातें करता तो ही इज़ कॉल्ड अ बेबी, वो से छोटा बच्चा कहा जाता है। एंड इफ़ ही आंसर्स इन अ ग्रोन अप वे, यदि वह बड़े लोगों की तरह बात करता है तो ही इज़ कॉल्ड इम्पर्टिनेंट, तो उसे जो है असंगत कहा जाएगा। फिर कहते हैं कि इन फैक्ट एनी टॉक एट ऑल फ्रॉम हिम इज रिसेंटेड, वास्तव में कोई भी बात उससे जो है न पसंद करने वाली होती है, मतलब वो जो भी कुछ बोलता है वो किसी को पसंद नहीं आती है। देन ही इज एट द अट्रैक्टिव सॉरी अनअट्रैक्टिव ग्रोइंग एज, और फिर भी वह जो है एक अनाकर्षक और बढ़ती हुई उम्र में होता है। तो ही ग्रोज आउट ऑफ हिज क्लॉथ्स, वो अपने कपड़ों से बाहर बड़ा हो जाता है विथ इंडिसेंट हेस्ट, काफ़ी तेज गति से। हिज वॉइस ग्रोन हॉर्स, उसकी आवाज़ जो है कि कड़वी हो जाती है। एंड ब्रेक्स, और टूटने लगती है। एंड क्वेर्स, और थर्राने लगती है, काँपने लगती है। हिज फेस ग्रोज सडनली एंगुलर एंड अनस्लाइटली, उसका चेहरा जो है अचानक भद्दा हो जाता है। एंगुलर मतलब ही भद्दा होता है, ख़राब होता है, कुरूफ होता है। अनस्लाइटली मतलब ही वही होता है। इट इज़ ईजी टू एक्सक्यूज द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, मतलब छोटे बच्चों की छोटी गलतियों, छोटी कमियों को माफ़ करना आसान है, बट लेकिन इट इज़ हार्ड टू टॉलरेट इवन अनअवॉइडेबल लैप्सेस इन अ बॉय ऑफ 14, लेकिन 14 वर्ष के लड़कों के अंदर जो अनअवॉइडेबल लैप्सेस हैं, मतलब जो अनदेखा न की जाने वाली गलतियाँ हैं, उसको सहन करना बड़ा कठिन होता है। द लैड हिमसेल्फ बिकम्स पेनफुली सेल्फ कॉन्शियस, लड़का जो है खुद ही तकलीफ पूर्वक जो है सेल्फ कॉन्शियस, आत्मसमर्पित हो जाता है, मतलब आत्म संयमित हो जाता है, मतलब खुद पे ही भरोसा कर लेता है। व्हेन ही टॉक्स विथ एल्डरली पीपल, जब वह बड़े लोगों से बात करता है तो ही इज़ आइदर अनड्यूली फॉरवर्ड, तो वह जो है अनावश्यक रूप से काफ़ी आगे बोल जाता है। आर इल्स
अंडलिसाई या फिर इसकी अपेक्षा वो इतना ज़्यादा शर्मीला हो जाता है दैट कि ही अपियर्स असेम्ड ऑफ इज वेरी एग्जिस्टेंस, कि उसे खुद के अस्तित्व पर भी शर्मिंदगी होने लगती है। तो 14 वर्ष के लड़कों के अंदर ये बातें, मतलब 14 वर्ष का मतलब किशोरावस्था के लड़कों के अंदर ऐसी बातें होती है। फिर कहते हैं कि इट इज़ एट दिस वेरी एज, ठीक ऐसे एज में, ऐसी उम्र में, व्हेन ही इन हिज हार्ट ऑफ हार्ट्स, अपने अंदर ही अंदर हृदय में ही, अ यंग लैड मोस्ट क्रेव्स फॉर रिकॉग्निशन एंड लव, एक नवयुवक, एक नौजवान लड़का जो है, किशोरावस्था का लड़का, पहचान और प्रेम के लिए काफ़ी ललायित होता है, काफ़ी तेज उसके अंदर इच्छा होती है, तीव्र इच्छा होती है। एंड ही बिकम्स द डिवोटेड स्लेव ऑफ एनी वन, और वह खुद ही आत्मसमर्पित गुलाम बन जाता किसी ऐसे व्यक्ति का, हो सोज हिम कंसिडरेशनेस, जो उसके साथ साझेदारी मतलब समझदारी व्यक्त करता है, मतलब जो उस लड़के के साथ समझदारी व्यक्त करता है वो लड़का अपने आप को उसके प्रति एकदम आत्मसमर्पित गुलाम बना देता है। बट नन डेयर ओपनली लव हिम, लेकिन कोई खुलकर उसको प्रेम करने की साहस नहीं करता, फॉर दैट वुड बी रिगार्डेड एज अनड्यू इंडलजेंसेस एंड, मतलब ऐसा इसलिए है क्योंकि दैट वुड बी रिगार्डेड एंड अनड्यू इंडलजेंसेस, यह जो है एक अकार्यकारी कार्य होगा, मतलब ऐसा कार्य जो कि नहीं किया जाना चाहिए ऐसा कार्य हो जाएगा, इसलिए जो है कि कोई खुलकर उसको प्रेम करने की साहस नहीं करता है। एंड देयरफॉर, और इसीलिए बैड फॉर द बॉयज, यह जो है लड़कों के लिए हानिकारक है, ख़राब है। सो व्हाट विथ स्कोल्डिंग एंड चार्डिंग, डांट फटकार से क्या होगा, ही बिकम्स वेरी मच लाइक अ स्ट्रे डॉग, वह बहुत ज़्यादा गली के कुत्ते की तरह हो जाएगा, दैट हैज़ लॉस्ट हिज मास्टर, जो अपने मालिक को खो दिया होता है, इस तरह का हो जाएगा अगर उसको डांटे फटकारे तो। फिर कहते फॉर अ बॉय ऑफ 14, ये जो है अभी जो पढ़ने जा रहा हूँ ये एक्सप्लेन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहते फॉर अ बॉय ऑफ 14, एक 14 वर्ष के लड़के की के लिए, हिज ओन होम इज़ द ओनली पैराडाइज, उसका खुद का घर ही एकमात्र स्वर्ग होता है। टू लिव इन अ स्ट्रेंज हाउस, एक विचित्र घर में, एक अपरिचित घर में, विथ स्ट्रेंज पीपल, अपरिचित लोगों के साथ रहना, इज ए लिटिल सॉर्ट ऑफ टॉर्चर, एक प्रकार का टॉर्चर, शोषण होता है। वाइल द हाइट ऑफ ब्लिस इज टू रिसीव द काइंड ऑफ वीमेन एंड नेवर टू बी स्लाइटेड बाय देम, जबकि इस तरह से, जबकि फिर से यहाँ से देख लेते हैं, कहते हैं वाइल द हाइट ऑफ ब्लिस, सबसे ख़राब बात ये होती है कि रिसीव द काइंड ऑफ लुक्स ऑफ वीमेन, वो जो कि स्त्रियों की इस प्रकार की देख, इस प्रकार की नज़र पाता है, एंड नेवर टू बी स्लाइटेड बाय देम, और उससे उसके प्रति जो है कभी भी आकर्षक नहीं हो पाता, मतलब स्त्रियों के प्रति उनका जो है कि बिहेवियर थोड़ा अजीब होता है, बस इतना ऐसा ही कुछ कहना चाहते हैं। इट वॉज एंग्यूज टू फटिक टू बी द अनवेलकम गेस्ट इन हिज आंट्स हाउस, फटिक के लिए यह एंग्यूज था, मतलब ख़राब बात थी, अच्छी बात नहीं थी कि वह अपने मामी के घर में अनचाहा मेहमान था, और डिस्पाइज्ड बाय दिस एल्डरली वुमन, और यह जो कि उस ज़्यादा उम्र वाली स्त्री के द्वारा जो डिस्पाइज, हमेशा अनदेखा किया जाता था, मतलब अपमानित किया जाता था, एंड स्लाइटेड, उसका जो है कि उसकी बदनामी की जाती, उसको नीचा दिखाया जाता था, ऑन एवरी ओकेजन, हर ओकेजन पे, हर अवसर पे। इफ़ सी एवर आस्क्ड हिम टू डू एनीथिंग फॉर हर, यदि वो उसको कुछ भी कभी अपने लिए कुछ करने के लिए कहती थी, तो ही वुड बी सो ओवरजॉयड, वो इतना खुश होता था दैट कि ही वुड ओवर डू इट, कि वो इस काम को बहुत ज़्यादा कर देता था। एंड देन सी वुड टेल हिम, तब वह उससे बोलती थी कि नॉट टू बी सो स्टूपिड, कि इतना मूर्ख मत बनो, बट टू गेट ऑन विथ हिज लेसन, बल्कि अपने काम से काम रहो, ऐसा बोल देती थी उसको, तो उसको ख़राब लगता था। द क्रैम्प्ड एटमोसफेयर ऑफ नेग्लेक्ट, मतलब अनदेखा किए जाने के इस तंग वातावरण में, क्रैम्प्ड मतलब तंग, मतलब अनदेखा किए जाने के अपने मामी के इस तंग वातावरण में, अप्रेस्ड फटिक सो मच,
फटीक को इतना ज़्यादा तंग कर दिया, इतना परेशान कर दिया कि ही फेल्ट दैट, वह महसूस करने लगा कि ही कुड हार्डली ब्रीथ, कि वह बड़े मुश्किल से सांसें ले पा रहा है। ही वॉन्टेड टू गो आउट इन टू द ओपन कंट्री, वह खुले मैदान में खुले जगहों पर जाना चाहता था। एंड फील हिज लंग्स एंड ब्रीथ फ्रीली, और अपने फेफड़ों को भरना चाहता था और स्वतंत्रतापूर्वक सांस लेना चाहता था। बट देर वॉज नो ओपन कंट्री टू डू सो टू गो टू, लेकिन कहीं भी ऐसा खुला स्थान जाने के लिए नहीं था। सराउंडेड ऑन ऑल साइड बाय कलकत्ता हाउसेज एंड वॉल्स, चारों तरफ से जो है कलकत्ता की घरों और दीवारों से चारों तरफ से ये बंद था। ही वुड ड्रीम नाइट आफ्टर नाइट, वह रातों रात जो है सपने देखने लगा ऑफ हिज विलेज, अपने गांव के होम घर के बारे में, एंड लॉन्ग टू बी बैक देयर, और वहाँ जाने के लिए लालायित होने लगा, इच्छा करने लगा। ही रिमेम्बर्ड द ग्लोरियस मीडो, वह उस शानदार हरे मैदान को याद करने लगा। वेयर ही यूज टू फ्लाई काइट ऑल डे लॉन्ग, जहाँ वह पूरे दिन पतंगे उड़ाया करता था। द ब्रॉड रिवर बैंक, बड़ा सा नदी का किनारा। वेयर ही वुड वंडर अबाउट, जहाँ वह घूमा करता था। द लाइव लॉन्ग डे सिंगिंग, पूरे दिन गाते हुए घूमा करता था। एंड शाउटिंग फॉर जॉय, और आनंद से चिल्लाते हुए घूमा करता था। द नैरो ब्रुक, वो पतली सी नदी को याद करता है। वेयर ही कुड गो, जहाँ वह जाता था एंड डाइव, और डुबकी लगाता था, एंड स्विम, और तैरता था, एट एनी टाइम ही लाइक्ड, जब वो चाहे उस समय। इन सारी चीज़ों को वो याद करने लगा। फिर कहते ही थॉट ऑफ हिज बैंड ऑफ बॉय, वो अपने साथ के लड़कों के बारे में सोचने लगा, कंपेनियन, साथियों के बारे में सोचने लगा। ओवर होम, जिनके लिए ही वॉज स्पोर्ट, वह तानाशाही राजा था। एंड अबव ऑल, और इन सब के बावजूद, इन सबसे ऊपर, द मेमोरी ऑफ दैट टायरेंट मदर ऑफ हिज, अपने उस तानाशाही माँ के यादों को भी याद करने लगा, सोचने लगा। हु हैड सच प्रेजुडाइस अगेंस्ट हिम, जिनके पास उसके लिए पहले से भविष्यवाणी होती थी। अकुपाइड हिम डे एंड नाइट, ये सारी चीज़ें उसको जो कि दिन रात ग्रहण करने लगी। अ काइंड ऑफ फिजिकल लव, एक प्रकार का भौतिक प्रेम, लाइक दैट ऑफ एनिमल, जैसे जानवरों का होता है। अ लॉन्गिंग टू बी द इन द प्रेजेंस ऑफ द वन, किसी एक व्यक्ति की उपस्थिति की लालसा करने लगा, हु इज लव्ड, जो उसे प्रेम कर सके। एंड इनएक्सप्रेसिबल विस्टफुलनेस ड्यूरिंग अब्सेंस, मतलब अनुपस्थिति में जब कोई उसके पास नहीं होता था, तो वो उसके अंदर एक अव्यक्त उदासीपन होता था, मतलब ऐसा उदासीपन जो कि वो व्यक्त नहीं कर सकता था। अ साइलेंट क्राई ऑफ द इनमोस्ट हर्ट फॉर द मदर, अंदर ही अंदर अपने माँ के लिए एक शांत भरी रोता था, मतलब चुप ही चुप रोता था अंदर ही अंदर। लाइक द लोविंग काफ इन द ट्वीलाइट, जिस तरह से लोविंग काफ, जो बछड़े होते हैं, लोविंग करते रंभाते हैं इन द ट्वीलाइट, गोधली बेला में। दिस लव, यह प्रेम, विच वॉज ऑलमोस्ट एन एनिमल इंस्टिंक्ट, जो कि लगभग जानवर ही ऐसा चाहते होंगे। ये सारी चीज़ें क्या, एजिटेटेड द साई, ये सारी चीज़ें एजिटेट करती थी उसको, उत्साहित करती थी, प्रेरित करती थी। द साई, किसको कह रहे कि द साई, उस शर्मीले, नर्वस, मतलब घबराए हुए, लीन, झुके हुए, अनकाउथ गांव के गवार, नगली बॉय, और उससे कुरूप लड़के को, ये सारी चीज़ें उत्तेजित करने लगी। नो वन कुड अंडरस्टैंड इट, कोई इस बात को समझ नहीं सकता था। बट इट प्रेड अपॉन हिज माइंड कंटिन्यूली, लेकिन ये सारी चीज़ें उसके दिमाग को लगातार शिकार बनाए हुए थी। फिर कहते हैं, देर वॉज नो मोर बैकवर्ड बॉय इन द होल स्कूल, अब उसके स्कूल की बातें हो रही हैं, कि कहते हैं कि उसके स्कूल में उसके जितना पिछड़ा लड़का कोई नहीं था, देन फटिक, जितना कि फटिक था। ही गैप्ड एंड रिमेंट साइलेंट व्हेन द टीचर आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन, जब उसके अध्यापक उससे कोई प्रश्न पूछते थे, तो वह जो कि गैप्ड, अवाक रहता था, रिमेंट साइलेंट, शांत रहता था। एंड लाइक अ ओवर लैडन एज, और एक लदे हुए गधे की तरह पेशेंटली, बड़े धैर्यपूर्वक सफर्ड झेल जाता था, क्या झेल जाता था, ऑल द ब्लोज, सारे प्रहार, दैट केम डाउन ऑन हिज बैक, जो उसके पीठ पे आती थे, मतलब टीचर उसको पीटते थे तो वो सारे पिटाई को झेल जाता था बड़े आसानी से, लदे हुए गधे की तरह चुपचाप। व्हेन अदर बॉयज वर आउट एट प्ले, जब दूसरे लड़के खेल में होते थे, खेलते थे, तो ही स्टूड विस्टफुली,
वो उदास होकर के खड़ा हो जाता था बाय द विंडो, खिड़की के पास, एंड गेज्ड और ध्यान से देखता था एट द रूफ्स, छतों पर, ऑफ द डिस्टेंट हाउसेस, दूर घरों के छतों पर देखता था. एंड इफ बाय चांस ही डिस्पाइज्ड चिल्ड्रन, स्पाइड चिल्ड्रन, यदि वह बच्चों को देख ले प्लेइंग ऑन द ओपन टेरेस, खुले हुए बालकनी में खेलते हुए, तो आप एनी रूफ किसी छत के, तो हिज हर्ट वुड एच विथ लॉन्गिंग, तो लालसा से उसका दिल जो है दर्द करने लगता था. जब वो दूसरे लड़कों को छतों की खुली हुई बालकनी पे खेलते हुए देखता था तो उसका दिल भी दर्द करने लगता था खेलने के लिए, लालसा के लिए. वन डे, एक दिन, ही समंड अप ऑल हिज करेज, वो अपनी पूरी साहस को जुटाया. एंड आस्क्ड हिज अंकल, और अपने मामा जी से पूछा. क्या पूछा? पूछा कि अंकल वेन कैन आई गो होम, मामा जी मैं घर कब जा सकता हूँ. तो हिज अंकल आंसर्ड, उसके मामा जी ने उत्तर दिया कि वेट टिल द हॉलीडेज कम, छुट्टियों के आने तक इंतज़ार करो. बट द हॉलीडेज वुड नॉट कम टिल नवंबर, लेकिन छुट्टियाँ नवंबर से पहले नहीं आने वाली थी. एंड देर वॉज अ लॉन्ग टाइम स्टिल टू वेट, और अब भी इंतज़ार करने के लिए बहुत ज़्यादा समय बचा हुआ था. तो फिर कहते हैं कि वन डे, एक दिन, फटिग लॉस्ट हिज लेसन बुक, फटिग जो है अपनी किताब को खो दिया. इवन विथ द हेल्प ऑफ बुक्स, यहाँ तक कि किताब की सहायता से भी, ही हैड फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट इंडीड टू प्रिपेयर हिज लेसन, वो अपने पाठ को तैयार करना बहुत कठिन पाता था किताब की सहायता से भी. नाउ इट वॉज इम्पॉसिबल, अब तो यह असंभव हो गया, किताब खो गई तो लेसन को तैयार करना असंभव हो गया. तो डे आफ्टर डे, दिनों दिन, दिन प्रतिदिन, द टीचर वुड केन हिम अनमर्सीफुली, अध्यापक उसको निर्दयतापूर्वक केन करते थे, मतलब बेंच से पीटते थे. हिज कंडीशन बिकेम सो एब्जेक्टली मिजरेबल, उसकी दशा जो है, उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा जो है मिजरेबल हो गई, मतलब दुखद हो गई, काफ़ी दर्दनाक हो गई. दैट इवन हिज कजिन्स, कि यहाँ तक उसके ममेरे भाई, वर असेम्ड टू ओन हिम, उसको अपना समझकर शर्मिंदा होने लगे. दे बिगन टू जियर, वे उसको चिढ़ाने भी लगे, एंड इंसल्ट हिम, उसका अपमान भी करने लगे. मोर देन द अदर बॉय, दूसरे बच्चों की अपेक्षा ज़्यादा. ही वेंट टू हिज आंट एट लास्ट, अंत में वो अपने मामी के पास गया एंड टोल्ड हर, उनको बताया कि ही हैड लॉस्ट हिज बुक, कि वो अपनी किताब खो चुका है. तो हिज आंट पर्स्ड हिज लिप्स, सॉरी हर लिप्स, उसकी मामी अपने होठों को भींच ली इन कंटेम्प्ट, क्रोध में, एंड सेड, और बोली कि यू ग्रेट क्लम्सी, तुम बड़े बदमाश हो, कंट्री लाउट, गांव के गवार हो, हाउ कैन आई अफोर्ड विथ ऑल माय फैमिली टू बाई यू न्यू बुक्स 5 times a मंथ, मैं अपने पूरे परिवार के साथ जो है तुम्हारे लिए एक महीने में पांच बार किताबें खरीदने के लिए कैसे सहन कर सकती, कैसे झेल सकती हूँ. दैट नाइट, उस रात, ऑन हिज वे बैक फ्रॉम स्कूल, देखिए उसकी मामी ऐसा बोल दी तो क्या हुआ, कह रहे हैं कि उस रात को ऑन हिज वे बैक फ्रॉम स्कूल, वो अपने घर स्कूल से घर की तरफ रास्ते में, फटिक हैड अ बैड हेडक, फटिक के दिमाग में एक ख़राब जो है सिरदर्द आया. तो विथ अ फिट ऑफ शिवरिंग, कंपन के साथ, कंपन के झोंके के साथ, ही फेल्ट, उसने महसूस किया कि ही वॉज गोइंग टू हैव एन अटैक ऑफ मलेरिया फीवर, उसने महसूस किया कि उससे मलेरिया का बुखार होने वाला है. हिज वन ग्रेट फियर वॉज, उसका एक बड़ा और डर था कि हिज ही वुड बी अ न्यूसेंस टू हिज आंट, कि वह अपनी मामी के लिए एक ख़राब बात बनेगा, मतलब एक बकवास बन जाएगा, मतलब उनके लिए परेशानी की बात बनेगा. तो द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले सुबह, फटिक वॉज नो वेयर टू बी सीन, फटिक को कहीं नहीं देखा गया. ऑल सर्चेज इन द नेबरहुड प्रूव्ड फ्यूटाइल, सभी ने आसपास में, पड़ोस में ढूंढा, लेकिन प्रूव फ्यूटाइल, मतलब बेकार साबित हुआ, मिला नहीं वो. द रेन हैड बीन प्योरिंग इन टॉरेंट्स ऑल नाइट, बारिश जो है पूरी रात मूसलाधार रूप में बरसती रही. एंड दोज, और वे लोग हु वेंट आउट इन सर्च ऑफ द बॉय, और वे लोग जो लड़के की तलाश में गए थे, गॉट ड्रेंच्ड थ्रू द स्किन, वे जो है कि चमड़े तक, मतलब अंदर तक एकदम भीग चुके थे. एट लास्ट बिसंबर आस्क हेल्प फ्रॉम द पुलिस, अंत में बिसंबर ने पुलिस से सहायता मांगा. तो एट द एंड ऑफ द डे,
दिन के समाप्ति होने पर अ पुलिस वैन स्टॉप्ड एट द डोर बिफोर द हाउस, एक पुलिस की गाड़ी जो है दरवाजे के सामने, घर के दरवाजे के सामने खड़ी हुई रुकी। इट वॉज स्टिल रेनिंग, अब भी बारिश हो रही थी, एंड द स्ट्रीट वर ऑल फ्लडेड, और पूरी गलियों में बाढ़ आ गई थी। टू कॉन्स्टेबल ब्रॉट आउट फटीक, दो कॉन्स्टेबल फटीक को बाहर लाए, इन दियर आर्म्स, अपने भुजाओं में भर के, एंड प्लेस्ड हिम बिफोर विसंबर, और उसे विसंबर के सामने रख दिए। ही वॉज वेट थ्रू फ्रॉम हेड टू फुट, वह अपने सिर से पांव तक भीगा हुआ था। मडी ऑल ओवर, पूरा कीचड़ लगा हुआ था। हिज फेस एंड आइज फ्लश्ड रेड, उसका चेहरा और उसकी आंखें लाल हो गई थी विथ फीवर, बुखार से। एंड हिज लिम्स ऑल ट्रेम्बलिंग, और उसके पूरे अंग कांप रहे थे। विसंबर करीड हिम इन हिज आर्म, विसंबर उसको अपने भुजाओं में उठा करके अंदर ले गया। एंड टुक हिम इनटू द इनर अपार्टमेंट्स, और उसको सबसे अंदर के कमरे में ले गया। व्हेन हिज वाइफ सा हिम, जब उसकी पत्नी ने उसको देखा तो ही एक्सक्लेम्ड, वह बोली, वह झटके से बोली, अचानक बोली कि व्हाट अ हीप ऑफ ट्रबल दिस बॉय हैज़ गिवन अस, इस लड़के ने हम लोगों को कितनी बड़ी कठिनाई दी, कितनी बड़ी परेशानी दी है। हैडन्ट यू बेटर सेंड हिम होम, क्या आपको अच्छा नहीं लगता, क्या आपको उचित नहीं लगता कि इसे घर भेज दिया जाए। तो फटीक हर्ड हर वर्ड्स, फटीक ने उसकी बातों को सुना। एंड सॉब्ड आउट लाउड, और थोड़ा जोर से, थोड़ा तेज से सिसका, और बोला कि अंकल आई वॉज जस्ट गोइंग होम, मैं तो केवल घर ही जा रहा था, बट दे ड्रैग्ड मी बैक अगेन, लेकिन वे मुझे यहाँ दोबारा खींच लाए। द फीवर रोज वेरी हाई, बुखार बहुत तेज हो गया। एंड ऑल दैट नाइट द बॉय वॉज डिलेरियस, और पूरे रात लड़का जो है डिलेरियस, बेहोश था। विसंबर ब्राट इन अ डॉक्टर, विसंबर एक डॉक्टर को लाया, बुलाया। फटीक ओपन्ड हिज फ्लश्ड आइज फ्लश्ड विथ फीवर, फटीक ने अपने बुखार से लाल आँखों को खोला। एंड लुकड अप इनटू टू द सेलिंग, और ऊपर छत पर देखा, छत को देखा। एंड सेड वैकेंटली, और बड़े खाली खाली से बोला कि अंकल हैव द हॉलीडेज कम येट, मामा जी क्या छुट्टियाँ अभी आ चुकी हैं, मे आई गो होम, क्या मैं घर जा सकता हूँ। तो विसंबर वाइप द टीयर्स फ्रॉम हिज ओन आइज, विसंबर अपनी खुद की आंखों से आंसुओं को पोछे। एंड टुक फटीक लीन एंड बर्निंग हैंड्स, और फटीक के झुके हुए और जलते हुए हाथों को अपने खुद के हाथों में लिए, इन हिज ओन, मतलब अपने खुद के हाथों में लिए। एंड सैट बाय हिम थ्रू द नाइट, और उसके पास पूरी रात बैठे रहे। द बॉय बिगन अगेन टू मटर, लड़का जो कि दोबारा मटर करने लगा, बड़बड़ाने लगा। एट लास्ट हिज वॉइस बिकेम एक्साइटेड, अंत में उसकी जो आवाज़ थी वो बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो गई, और उत्तेजना में बोलने लगा। मदर ही क्राइड, वो चिल्लाकर बोला, डोंट बीट मी लाइक दैट, माँ मुझे इस तरह मत पीटो। मदर आई एम टेलिंग द ट्रूथ, माँ मैं सच बोल रहा हूँ, ऐसा वो जो कि बड़बड़ाने लगा। द नेक्स्ट डे फटीक बिकम कॉन्सियस, अगले दिन फटीक को होश आया फॉर अ शॉर्ट टाइम, थोड़े समय के लिए। ही टर्न हिज आइज अबाउट द रूम, वह अपने आँखों को कमरे में चारों तरफ घुमाया। एज इफ एक्सपेक्टिंग समवन टू कम, मानो कि वह किसी के आने का इंतज़ार कर रहा, किसी के आने की उम्मीद में था। एट लास्ट अंत में विथ एन एयर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, एक निराशा के सांस के साथ, हिज हेड सैंक बैक ऑन द पिलो, उसका सिर तकिए में वापस डूब गया, मतलब तकिए पे वापस गिर गया। ही टर्न्ड हिज फेस टू द वॉल विथ अ डीप साई, वह एक गहरी सांस के साथ अपने चेहरे को दीवार की तरफ घुमा लिया। विसंबर न्यू हिज थॉट्स, विसंबर उसके विचारों को जान गया। एंड बेंडिंग डाउन हिज हेड, और अपने सिर को झुकाते हुए विस्फोट धीरे से बोला, विसंबर बोले कि फटीक आई हैव सेंड फॉर योर मदर, फटीक मैंने तुम्हारी माँ को संदेशा भेज दिया है। द डे वेंट बाई, दिन बीतता गया। द डॉक्टर सेड द डे वेंट बाई, मतलब दिन बीत गया। द डॉक्टर सेड इन अ ट्रबल वॉइस, डॉक्टर ने थोड़ी परेशानीजनक आवाज़ में कहा कि द बॉयज कंडीशन वॉज वेरी क्रिटिकल, कि बच्चे की स्थिति बहुत नाजुक है। उसके बाद करें, फटीक बिगन टू कैरी आउट, सॉरी क्राई आउट, फटीक जो है कि चिल्लाने लगा, मतलब सपने में बड़बड़ाने लगा। क्या बड़बड़ा रहा था? बाय द मार्क निशान के पास 3 fathoms, 3 fathoms, बाय द मार्क निशान के पास 4 fathoms, 4 fathoms, बाय द मार्क
निशान के पास, मतलब इस तरह की बातें वो बोलने लगा। क्यों? करें ही हैड हर्ड द सेलर, उसने नाविकों को सुना था ऑन द रिवर स्ट्रीमर, नदी की धारा में कालिंग, ऐसा चिल्लाते हुए द मार्क ऑन द प्लम्ब लाइन, मतलब प्लम्ब रेखा के निशान पर, मतलब जो होता है ना पानी की गहराई मापते हैं तो वो होता है फैदोमीटर, तो उसको फैदम्स बोलते हैं, तो प्लम्ब लाइन से नापते, तो ये सारी बातें वो सुना था, तो यही बातें वो सपने में बड़बड़ा रहा था। नाउ ही वॉज हिमसेल्फ प्लम्बिंग, देखिए यहाँ पे हिमसेल्फ होना चाहिए, थोड़ा सा इसमें मिस हो गया है टाइप करने में, तो कह रहे कि वह जो है खुद ही प्लम्बिंग एंड अनफैदोमेबल सी, अब वह जो है अमापनीय सागर को खुद ही माप रहा था। लेटर इन द डे फटिक्स मदर बस्ट इनटू द रूम, देर दिन में मतलब दिन को देर के समय फटिक की माँ जो है बस फूटते हुए कमरे में आई, लाइक अ विरल विंड, एक भंवर की तरह, एक चक्रवाती हवा की तरह घूमते हुए चिल्लाते हुए आई, एंड बिगन टू टॉस फ्रॉम द साइड्स टू साइड, मतलब जो कि इस तरफ उस तरफ वो करवटें बदलने लगी, मतलब घूमने लगी, एंड मौन और गहरी सांसें लेने लगी, आहें भरने लगी, एंड क्राई इन लाउड वॉइस, और तेज़ आवाज़ में चिल्लाने लगी, रोने लगी। बिसम्बर ट्राई टू काम हर एजिटेशन, बिसम्बर उनके उत्तेजना को रोकने के लिए शांत करने का प्रयास किए, बट सी फ्लंग हर सेल्फ ऑन द बेड, लेकिन वह खुद को बिस्तर पर फेंक दी, एंड क्राइड और चिल्लाई, फटिक माई डार्लिंग फटिक, मेरे प्यारे, मतलब फटिक के लिए वो इतनी दुखी थी, रो रही थी उसके लिए। तो फटिक स्टॉप्ड हिज रेस्टलेस मोमेंट, फटिक अपने बेचैन गतियों को रोका फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, हिज हैंड्स सीज्ड बीटिंग अप एंड डाउन, उसके हाथ जो है ऊपर नीचे पीटना बंद हो गए थे, ही सेड आह, उसने कहा आह, मतलब वो जो है राहत की सांसें लिया। द मदर क्राइड अगेन, माँ दोबारा बोली, फटिक माई डार्लिंग फटिक, मेरे प्यारे, तो फटिक वेरी स्लोली टर्न हिज हेड, फटिक बड़े धीरे से अपना सिर घुमाया, एंड विदाउट सेइंग एनीबॉडी सेड, और किसी को बिना देखे हुए बोला, क्या बोला कि मदर द हॉलीडेज हैव कम, माँ छुट्टियाँ आ गई हैं, ऐसा बोला। तो ये रहा होम कमिंग, आशा करता हूँ काफ़ी इन्जॉय किए होंगे आप, मैंने तो इन्जॉय किया, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और लगे कि लोगों तक शेयर करना चाहिए तो ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में अगली टॉपिक को लेकर के, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।